हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज इज माय टॉपिक नॉलेजेंट क्वेश्चन है और बी एस सी स्टूडेंट्स है उनके लिए मोस्ट इमेंट जो है टॉपिक है जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ आप उसे राइट डाउन कर लीजिएगा ये रिपीटेड क्वेश्चन है ठीक है ये साइकोलॉजी के हैं जीएनएम स्टूडेंट्स एंड बी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के लिए ये सेवन मार्क्स एट मार्क्स एंड नाइन मार्क्स के जो क्वेश्चन है मैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन है सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए राइट इसके बाद आता है फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है इसके बाद आता है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी ठीक है ये है इसके पास सेकंड जो क्वेश्चन है वट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी एंड थर्ड जो है इम्पोर्टेंट इन नर्सिंग प्रोफेशन ठीक है इम्पोर्टेंट्स क्या है नर्सिंग प्रोफेशन में वो आपको बताना है एंड इसके बाद जो साइकोलॉजी के जो नेचर है उसके जो स्कोप है वो बताना है एंड साइकोलॉजी के जो ब्रांचेज है वो आपको बताना है ठीक है इसके बाद आता है मेंटल मेकेनिजम्स इसके बाद जो फिफ्थ आता है कॉन्फ्लिक्ट एंड टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्स ठीक है सिक्स के बाद आता है वट इज नेचर स्कोप ऑफ साइकोलॉजी एंड मैथ इसमें आपको क्या बताना है इसका नेचर क्या है एंड स्कोप क्या है साइकोलॉजी के एंड इसके मेथड्स है वो बताने है ये आपका टेन मार्क्स के हैं ठीक है और एट मार्क्स एंड सेवन मार्क्स के हैं इसके बाद आता है सोर्स ऑफ ठीक है इसके बाद जो एट आता है इम्पोर्टेंस इन नर्सिंग प्रोफेशन इम्पोर्टेंस क्या है नर्सिंग के प्रोफेशन में ठीक है इसके बाद जो नाइन क्वेश्चन आता है इज मीनिंग एंड डेफिनेशन द ऑफ ठीक है इसमें आपको क्या करना है इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन डिवेलमेंट ऑफ एटीट्यूड की लिखनी है क्लियर इसके बाद जो आता है टेंथ जो क्वेश्चन आता है में इसके बाद आता है टेंथ क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स एंड एडवांटेज ऑफ गुड हैबिट्स फॉर नर्स ठीक है इसके बाद जो आता है

इसके टाइप्स क्या हैं और वो बताना है आपको एक्सप्लेन करना है अच्छे से उसके एग्जांपल्स भी बताना है क्वेश्चन राइट द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसिंग प्रिस्क्रिप्शंस ठीक है इसके बाद आता है व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शंस एंड इसके बाद आता है व्हाट आर प्राइमरी नीड्स एंड सेकेंडरी नीड्स इसमें क्या होता है प्राइमरी नीड्स क्या होती है और सेकेंडरी नीड्स क्या होती है ये आपके टेन मार्क्स का है वट इज मेंटल हेल्थ ठीक है आपको मेंटल हेल्थ के बारे में बताना है और इसके बाद आता है वट इज ऑफ मेंटली कैरेक्टरिस्टिकलीस ठीक है इसके बाद आता है क्वेश्चन आता है साइकोलॉजी प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट्स ठीक है इसके बाद आता है ट्वेंटी क्वेश्चन व्हाट इज टाइप ऑफ स्ट्रेस ठीक है स्ट्रेस क्या होता है उसके बारे में बता उसके बताना उसके टाइप्स बताने हैं जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए व्हाट इज टाइप्स ऑफ स्ट्रेस या पूछता है व्हाट इज स्ट्रेस तो आपको क्या करना है इसके साथ साथ आपको पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है इंट्रोडक्शन डेफिनेशन उसके बाद में आपको जो है स्ट्रेस के बारे में उसके टाइप्स लिखना है What are the of वो बताना है आपको इसके बाद आता है डेफिनेशन ऑफ नेचर फोर टाइप्स ऑफ स्टेजेस इसमें जो नेचर के फोर टाइप ऑफ स्टेजेस हैं वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है और इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मेमरी एंड फैक्टर्स ऑफ फॉर गेटिंग ठीक है इसमें टाइप्स बता रहा है मेमरी एंड फैक्टर्स ऑफ फॉर गेटिंग ठीक है इसके बाद आता है वट इज डेफिनेशन ऑफ नेचर इसमें आपको क्या करना है इसमें आपको डेफिनेशन देनी है नेचर की and उसके जो टाइप्स ऑफ थिंकिंग है क्लियर इसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन के बारे में पूछा था इसका अंतर टेन मार्क्स का है आपको क्या करना है इसमें पूरा कंप्लीटली लिखना होगा आपको ठीक है तो इसके बाद जो आता है ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन इसके बाद आता है वट आर द फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर्स ठीक है इसके बाद जो ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन आता है इसमें आता है डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी एंड टाइप्स में क्या डेफिनेशन लिखनी है किसकी पर्सनैलिटी की एंड उसके जो टाइप्स है वो भी आपको बताना है वट आर द ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मैथड्स इसमें ना आप क्या पूछा है आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है एंड सब्जेक्टिव पूछ सकता है और मैथड इसको आपको बताना है इनके दोनों सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव के ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट डिवेल्पमेंट स्टेजेस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट डिवेलमेंट स्टेजेस क्या है तो ये थर्टी क्वेश्चन है जो की इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें क्या होता है कि सेम क्वेश्चन नहीं आता है घुमा फिरा कर आपको जो है क्वेश्चन फुट किए जाते हैं लेकिन जो इनका क्वेश्चन का जो मीनिंग होता है वो सेम रहता है ज़्यादा और कुछ नहीं पूछ पाएगा आपसे क्योंकि जो मेन जो जो है है वो यही है। जो कि आपको सेवन एंड नाइन मार्क्स में भी आ सकता है फिफ्टीन में भी आ सकता है कहीं वो उन पर डिपेंड करता है लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं उनको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है लेकिन मीनिंग यही होती है ठीक है इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम जो फोर मार्क्स की और फाइव मार्क्स की जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है मोस्ट इमार्ट क्वेश्चन ये पूरी बुक में से जो आपको जो मेन है जिनसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनकर आते हैं मैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रही हूँ आप इसे अच्छे से लर्न कीजिए इसमें क्या है कि आप अपनी तरफ से भी इसमें बनाकर लिख सकते हैं जो मेन टू सब्जेक्ट होते हैं माइक्रोबायोलॉजी एंड एनेटमिक इनमें आप अपनी तरफ से बनाकर नहीं लिख सकते हैं बाकी सारे सब्जेक्ट में आप अपनी तरफ से भी इसमें बनाकर लिख सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपने टॉपिक को अच्छे से रीड किया तो आपको मालूम है कि इसमें क्या लिखना है आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं ये नहीं है कि जो बुक में लिखा है आप रेटिफिकेशन में करें और वैसा ही कर दे ऐसा नहीं है अगर आप अपनी लैंग्वेज में अगर आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं और उसे अपने ही लैंग्वेज में लैंग्वेज में डिफाइन करके अगर उस क्वेश्चन को लिखते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि उसके जो मार्क्स है बहुत अच्छे दिए जाते हैं तो अगर आप रट्टाफिकेशन पे चलेंगे तो आपको बिल्कुल भी लर्न नहीं होगा तो इस चीज का ध्यान रखना है जो टॉपिक्स है जिन जिनमें से ये क्वेश्चन आए हैं उन्हें आप अच्छे से रीड कीजिए जो की मोस्ट इमेंट है ठीक है तो इनके जो टॉपिक होंगे मोस्ट प्रोडक्ट वो भी मैं आपको बताऊंगी लेकिन फिलहाल आप इस क्वेश्चन को जरूर कीजिए अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जितना हो सके उतने ज्यादा इसे शेयर करने की कोशिश कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच